लेकिन मेरे भाइयों की कोई कल सीधी ना हुई। ये वो होटल? यही। तुम्हें पूरा यकीन है कि इस होटल का मैनेजर हमारे चक्कर में आ जाएगा? मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेलता भाई, सब पता लगा लिया। इस होटल का मैनेजर एक नंबर का बेईमान, हेरा फेरी करने वाला लालची आदमी है। अरे वो तो ऐसे लपेटे में आएगा कि देखते जा। एक्सक्यूज मी जी। जी वो एक कमरा मिलेगा? जी हाँ मिलेगा। कैसा रूम चाहिए, सिंगल या डबल? जी मैंने अर्ज किया सिंगल रूम चाहिए या सिंगल। नाम बोलिए। नाम जी नाम क्यों पूछ रहे हैं आप? ये हमारा रजिस्टर, इसमें नाम तो लिखना ही पड़ेगा जनाब। ओ वो विजय कुमार। मिस्टर विजय कुमार, दस्तखत कीजिए। जी ये आपका कमरा नंबर 102, इसकी चाबी बैग में ऊपर भिजवा दूंगा। जी नहीं वो आप हमखास अहमद कह रहे हैं, बेरा बैग ले जाएगा ऊपर? जी नहीं बिल्कुल नहीं, मैं बैग खुद ले जाऊंगा। आपकी मर्जी साहब। ये कमरे का रास्ता किस तरफ से है? ये आप इधर से जाइए, फिर ये ऊपर जाइए सीढ़ियों पर, और कमरा नंबर 102 बाईं तरफ है। शुक्रिया। जी कहिए। इस होटल के मैनेजर आप हैं? जी हाँ हूँ तो, लेकिन बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? बात यह साहब, इस शहर के मशहूर ज्वेलर्स जमुना दास के यहाँ एक आदमी काम करता था, वो उनके 2.5 लाख के हीरे लेकर भाग गया। 2.5 लाख के हीरे? जी हाँ, और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक वो इसी शहर के किसी होटल में छिपा हुआ है। 2.5 लाख के हीरो समेत छुपा हुआ है यहाँ पे? ये रही उसकी तस्वीर। ये आदमी इस होटल में कभी आया तो नहीं था? जी ये आदमी हमारे होटल में? जी नहीं बिल्कुल नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैंने ये आदमी तो क्या इससे मिलता जुलता आदमी आज तक नहीं देखा। और इंस्पेक्टर साहब, 2.5 लाख रुपए के हीरे लेकर कोई इस मामूली होटल में आएगा? ये सोचने की बात है इंस्पेक्टर साहब, सोचिए आप। ठीक है, यही पूछना था। जी अगर कहीं दिख गया तो हमें खबर भेज देना। जी